अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अब तक आपने देखा जोधपुर की सैर करते हुए अनु को एक बार फिर चक्कर आते हैं। राम डॉक्टर बाटली वाला को फोन लगाकर अनु की रिपोर्ट्स के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि अनु के पास बस कुछ ही दिन बाकी रहेंगे। सारी चीजें नॉर्मल करने के लिए अनु राम से वायोलिन सुनाने को कहती है और परेशान राम उसे बताता है कि उसने स्ट्रिप के लिए वायोलिन बेच दिया है। अनु बहुत नाराज हो जाती और होटल छोड़ देने का फैसला करती है। अब आगे चोरी, पापा ये शोर हमें चोरी करनी है। पापा, चोरी करना पाप होता है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अरे एक मिनट सुनो, तुम लोग दोनों मेरी बात सुनो। देखो मम्मी जो है वो बहुत ब्रूठी हुई है और जब तक मैं वायलिन नहीं बजाऊंगा वो मानने वाली है नहीं, और फिर जैसे ही मम्मी मान जाएगी हम लोग वायलिन वापस रख देंगे। तो चोरी कहाँ हुई, उधार हुई ना, उधार मतलब लोन, जैसे वो बैंक वाले देते हैं। पापा, पर बैंक वाले लोन परमिशन के साथ देते हैं और होटल वाले ने आपको कोई परमिशन नहीं दे रखी है, तो फिर ये चोरी कैसे नहीं हुई, प्लीज एक्सप्लेन। यार तू लॉजिक में मत जाना, तू बस ये बता तू पापा की हेल्प करेगी कि नहीं। तुझे क्या लगता है क्या करना चाहिए? आइडिया तो स्टूपिड सा है, लेकिन मम्मा की खुशी के लिए चलो मिलके चोरी करते हैं। अबे चोरी नहीं, उधार, मेरे बाप उधार। अच्छा ठीक है पापा, प्लान क्या है? अब देख, मेरा हाथ अंदर तक घुसता है। पापा आप मुझे अंदर डाल के बाहर तो निकालेंगे ना? अरे हाँ, तुझे अंदर कैसे छोड़ सकता हूँ यार, पहले वायलिन तू मुझे देगा उसके बाद तुझे भी तो बाहर उतारूंगा मैं। ठीक है, वो सब कुछ तो ठीक है पापा, लेकिन ये सब कुछ करते वक्त होटल वालों ने देख लिया तो, और फिर सीधा पुलिस आएगी। पुलिस फिर जेल? पापा बड़ा होकर मुझे एक डॉक्टर बनना है? अरे आप मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब मत करो। कुछ नहीं होगा यार, मेरा प्लान एकदम सॉलिड है। तू बस एक काम करना, हाँ। तू वहां पर जाके कॉरिडोर में नजर रख और कोई भी अगर आए ना तो वहां से सीटी बजाना, ठीक है? ओके फाइन। पापा लेकिन आपको ना वो वायलिन नहीं बेचना चाहिए था, मम्मा का दिया हुआ गिफ्ट था वो, और आपने क्यों बेच दिया? अरे ठीक है, गलती होगी, बच्चे की जान लोगे क्या? ओके जान है यार जूता। ओके पापा ऑल द बेस्ट। पहले ठहर, इधर ही ठहर। ओके। अरे ध्यान से आ पापा। ठहरना, चुप कर यार। आरुफ, गुड लक। जा, नीचे जा। केयरफुल, संभाल। राम को तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। वैसे इतनी देर से राम है कहाँ? सिक्योरिटी अलार्म भी बज रहा है। आग लग गई! आग लग गई होटल में! होटल में आग लग गई है! आग लग गई है होटल में! भगवान! आग लग गई होटल में! होटल में आग लग गई है! अरे वायलिन का क्या? ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? नहीं वहाँ नहीं, वहाँ आग लगी है। आपको कुछ समझ में नहीं आता? मैडम मैडम आप प्लीज पैनिक मत होइए, ये फायर अलार्म नहीं है। ओह ये फायर अलार्म नहीं था। मैं भी ना, सॉरी हाँ, आग नहीं लगी है। आप सब लोग जाइए, बाय। और हाँ मेरे रूम में ना टो
और सैंडविच भिजवा दीजिएगा। ओके थैंक यू बाय। होटल में आग नहीं लगी, जाइए 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 जाइए। हाँ मिस्टर शर्मा, नो 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 नो, आज पॉसिबल नहीं। एक सेकंड, मैं पूछ के बताता हूँ। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। क्यों इस हार को अपने गले के लिए तरसा रही है? खोई हुई थी? सोच रही थी कि सूरज अपने आप से दीदी को मिलने गया था या पापा ने उसे भेजा था। अगर भेजा भी था तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मानव, पापा की लाडली थी दीदी, हर चीज में मुझसे आगे, स्पोर्ट्स, स्टडीज, म्यूजिक में भी। अरे गा तो मैं भी अच्छा लेती थी, लेकिन पापा ने कभी मेरे टैलेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया। बस चाहा कि दीदी का नाम सबसे बड़ा आसमान में लिखा हो। कभी कभी तो लगता था कि मैं उनकी अपनी नहीं पर सौतेली बेटी हूं। बड़ी मुश्किल से उनकी लाडली बनी हूं मानव, और अगर दीदी घर वापस आ गई ना तो फिर पता नहीं क्या होगा। रिलैक्स रिलैक्स वाइफी, बैठो बैठो बैठो। अठारह साल से नहीं तो अब क्या वापस लो? और ये बात मत भूल कि अगर अनु इस घर में वापस आई तो उसके साथ राम भी आएगा। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पापा राम को इस घर में वापस आने देंगे? अरे खुद की एक म्यूजिक एल्बम बनाना चाहता था, बना पाया? अरे गाना तो छोड़ो, कोरस में सिंगिंग को तरसता है राम। इस म्यूजिक इंडस्ट्री की सड़कें नाप नाप के खुद सड़क छाप बन गया है वो। अपने कंधे पे वायलिन लटका के दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता। बड़े से बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपनी राम को हाथ नहीं लगाना चाहती। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा ने मना कर रखा है। राम की किस्मत में ठोकरे भगवान ने नहीं, तुम्हारे पापा ने लिखी है स्वीट हार्ट। जितनी नफरत तुम्हारे पापा राम से करते हैं उतनी ही अनु से भी करते हैं। So you figure not wifey, तुम अपने पापा की लाडली हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारे पापा के दिल में से तुम्हारी जगह कोई नहीं छीन सकता। Believe me.
मामा ने पापा को फाइनली माफ कर दिया। थैंक गॉड। अच्छा एवरीबॉडी सॉरी, मैंने आप सबको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, वेरी सॉरी। लेकिन राम तुम ये सब क्या कर रहे थे? भाई जो कुछ भी कर रहा हूँ बस तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना। आई लव यू। आई लव यू टू। एक मिनट, सॉरी। देखिए आपने देखा ना, सिचुएशन काफी गंभीर थी। आप ये आप लीजिए। आई एम वेरी सॉरी। अगर आप चाहते हैं तो आप पुलिस बुला सकते हैं। अगली बार जरूर बुलाऊंगा, अगर ऐसी हरकत फिर से की तो। थैंक यू सर। थैंक यू। मैडम आपका बिल रेडी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अरे तुम अभी भी गुस्सा हो, अभी भी जा रही हो? मामा ऐसा मत करो, यहाँ कितना मजा आ रहा है, प्लीज मामा। हाँ मामा, मत जाइए ना। ठीक है, हम 3 दिन और रुक कर जाएंगे। थैंक यू ये करण सहगल बंदा नया है और म्यूजिक भी बड़ा एक्सपेरिमेंटल कंपोज किया है। इस पे दाव लगाना, यू थिंक इट विल बी राइट? हाँ पापा, किसी एस्टैब्लिश पोजीशन को लेते हैं, सेफ रहेगा। मनिका बेटा, करण सहगल का म्यूजिक अनकन्वेंशनल तो है, लेकिन जिस तेजी और रफ्तार से मार्केट बदल रही है, आई फील इट्स द राइट चॉइस। और तुम दोनों मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम मार्केट को नया नहीं देंगे तो फिर वो पुराने को कभी छोड़ेंगे नहीं। माई सजेशन इज करण सहगल को तुम इमीडिएटली साइन कर लो। जी डैड। सर जी। बोलो सूरज। सर अकाउंटेंट साहब ने चेकबुक भेजी है, कुछ चेक साइन करने हैं, कुछ वेंडर्स के हैं और कुछ डोनेशन के लिए। डैड, अमाउंट कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है डोनेशन के हिसाब से। सर ने हमेशा से अपने पर्सनल अकाउंट से कैंसर के पीड़ित बच्चों को ये पैसे दिए। वो अपने डॉक्टर त्रेहान, उन्हीं के ट्रस्ट की बात कर रहे हैं ना? जी, आपको तो पता है कल अनु मैडम का बर्थडे है और इस दिन तो केक मंगवा लेते हैं। सूरज डैड, अगर आपके लिए ये दिन इतना मायने रखता है तो कोई भी कसर क्यों छोड़े, फुल ऑन तरीके से सेलिब्रेट करते हैं इसे। क्यों? ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मानव, और वैसे भी मैं ये डोनेशंस गरीब और अनाथ बच्चों के लिए करता हूं, अरबों कमाता हूं मैं, इसलिए करोड़ों का डोनेशंस करने की हैसियत है मुझे। खैर इस बात को जाने दो, आई थिंक तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए और करण सहगल को साइन करने की फॉर्मेलिटीज को पूरी करनी चाहिए। जी thank you.
ऐसे क्यों देख रही हो इन दोनों को? क्या बोलूं राम, कैसे रहेंगे ये मेरे बिना? कभी कभी सोचती हूँ ना तो एकदम घबरा जाती हूँ। दिशा तो फिर भी बड़ी है लेकिन आरव बहुत छोटा है। टाइम टू टाइम उसे सिर्फ मैं ही चाहिए, मम्मा मम्मा मम्मा। मुझे प्रॉमिस करो मेरे बच्चों का ध्यान रखोगे ना? उनका ध्यान तो रख दूंगा लेकिन मेरा ध्यान कौन रखेगा? ये सोचा राम, राम जब लोग मर जाते हैं ना तो भूत बन जाते हैं। तो मैं भूतनी बीवी चलेगी? चलेगी नहीं, दौड़ेगी। अच्छा सुनो, मेरे साथ आओ। कहाँ? अरे आओ ना। कहाँ जा रहे हैं हम? Thank you. Wishing you many many happy returns of the day. Thank you. पापा आपने मामा को विश क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम दोनों ने मेरा सारा मजा खराब कर दिया। हमने क्या किया? अरे यार, मैंने तुम्हारी मम्मी के लिए एक सरप्राइज प्लान करके रखा था। मैं इसको चुपके से बाहर ले जाने वाला था, वहां पर इसका बर्थडे गिफ्ट मैंने रेडी रखा है। मैंने सोचा था बर्थडे गिफ्ट दूंगा, हैप्पी बर्थडे विश करूंगा, तुम्हारी मम्मी के साथ थोड़ा सा रोमांस करूंगा। मतलब तुम लोग जब सोते हो तो सुबह तक नहीं उठते, आज ही उठना जरूरी था। तुम भी ना बच्चों के सामने बच्चों जैसी बातें करते। वैसे क्या है सरप्राइज, कहाँ लेके जा रहे हो? पहले बाहर थोड़ी सी ठंड है, तुम लोग जरा कुछ जैकेट वैकेट ले। हाँ हाँ जाओ जाओ, मैं भी अपनी शॉल ले लेती हूँ। ओके चलो 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 चलो। आंखें बंद, आरव नो चीटिंग। राम जल्दी करो ना, हमें बाहर क्यों लेकर आए हो, क्या दिखा रहे हो? ठहरो, सब्र करो मेरी जान। सब्र का फल मीठा ही नहीं बल्कि चमकीला भी होता है, अब भी पता चल जाएगा तुमको। जब मैं तीन गिनूंगा तब तुम लोग सब आंखें खोलोगे। ओके 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 ठीक है। एक दो राम,